चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। खंडवा लोकसभा से राजनारायण सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, वहीं जोबट से महेश पटेल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। रहगांव से कल्पना वर्मा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने खंडवा लोकसभा सीट के लिए राजनारायण सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। राजनारायण सिंह माधानता से विधायक रहे हैं, उन्हें दिग्विजय सिंह का करीबी माना जाता है। अभी भाजपा ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभा की सीटों पर आगामी 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 11 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। 13 अक्टूबर को नाम वापसी के बाद 30 को मतदान होगा। इसके बाद 2 नवंबर को मतगणना होगी। प्रत्याशी को तो क्या खुशी, कार्यकर्ता में ज्यादा खुशी है। और मुद्दे आधारित चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे मुद्दों पर जो फेल हुई है, हम 14 से, वो सारी चीज पब्लिक के बीच में है। और वही संदेश हमारा कार्यकर्ता राजनारायण सिंह बनके चुनाव लड़ेगा। सबसे पहला महंगाई, दूसरा किसानों के वो कृषि कानून, तीसरा ये है बेरोजगारी। ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं साहब, तो उसमें मैं बहुत ताकत से काम करूंगा। इस बार हम लोग की पूरी तैयारी है और जिस तरीके से हम लोग संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा संगठन भी बहुत मजबूत है। पिछली बार थोड़ा सा कुछ कमियां रह गई थी, वो कमियां इस बार हम लोगों ने पूरी कर ली है। उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, लेकिन अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस पर मंत्री तुलसी सिलावट